ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान वेरो मंगलं गौतमो मणि मंगलं कुंडकुंडादो येन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जय सुशासन अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातस्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की
गुरुदत्त स्वामी ने भी कारिका दी है, उसका अनुवाद भी गुरुदेव ने किया है। जिस समय उस अनुवाद को हमने पढ़ा, हमारी आंखें और खुल गई। गुरुदत्त स्वामी ने प्रसंग दिया है, मूल तो संस्कृत में है और उसका अनुवाद बहुत ही साहित्यिक शब्दों में, छंद में मूलकार के भाव को प्रस्तुत किया है हिंदी भाषा में। उनका कहना है आचार्य महाराज का, गुरुदेव ने अनुवाद किया, हम कर क्या सकते हैं, हम पढ़ भी नहीं सकेंगे, ये ध्यान रखो, लिखना तो बहुत उसकी बात। उभय लोग की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, फिर से दोहरा रहा हूं, उभय लोग की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, जुगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुनते थे। गुनने वालों की संख्या बहुत दुर्लभ है जुगत काल में भी। उभय लोग की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, जुगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते घूमते थे। धर्म सुनाता कौन सुने, अब वे भी दुर्लभ विरल मिले, और हित पथ पर चलने वाले को ईद चंद्र सब विरल खिले, ऐसा कहा। हम भी चिंतन करते हैं, हम भी लिखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हम भी समझते हैं, हम भी समझाते हैं, किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि समझने की और समझाने की परंपरा आज भी नहीं बंद हो, बहुत प्राचीन काल की परंपरा है, किंतु समझते समझाते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ। किंतु गुणवत्त स्वामी का ये कहना है कि गुणने वालों की संख्या विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनने वालों की भी संख्या दुर्लभ और गुनने वालों की संख्या तो उससे भी अत्यंत दुर्लभ थे, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वो थियोरेटिकल अलग है, ग्रंथ का आधार लेकर के पढ़ना, कंठस्थ करना, मुखाग्र करना और यथावत उसको उसकी व्याख्यान के रूप में विश्व के सामने रखता कि तो फिर भी सरल है, क्योंकि ज्ञानावरणी का कर्म का सूक्ष्म बहुत सरलता से हो सकता है। हालांकि यह भी दुर्लभ है, किंतु इसलिए सुलभ कह रहे हैं कि विद्यार्थ की भूमिका में भी, प्रथम गुणस्थान में भी कई अंगों का वह ध्यान रखता है, इसके बावजूद भी सम्य दक्ष से वो वंचित रहता है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का शोषण भिन्न है और दर्शन मुनि का जो शोषण है जिसके माध्यम से ज्ञान में समीचीनता आती है, जिसको सम्य दर्शन बोलते हैं, ये अत्यंत दुर्लभता की कोटि में रखता है। इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते कि सधाम विज्ञात तत्वाना सत्यशीलावलंबिना चरण स्पर्श मात्रेण विशुद्यति धरातलम। और पूर्व में निर्यापक श्रमण सुदासागर जी माध्यम से भी आपको जानकारी मिली है गुरुदेव के विषय में, और पूर्वाचार्यों के विषय में भी काफी आगम के आधार से आपके सामने विषय रखा है, प्रासंगिक रखा है। और पूर्वाचार्यों की श्रृंखला में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आचार्यों की परंपरा वर्तमान में आचार्य गुरुदेव के सामने आप लोग देख रहे हैं। आचार्य गुरुदेव कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज। सारा का सारा चतुर्विध संघ उनका है, ये ध्यान रखो।
किसी ने कहा सज्जने कि महाराज बहुत सारे उपसंग हुए हैं और उसमें आपका उपसंग तो संख्या की अपेक्षा से बहुत अधिकता को लेकर के है, ऐसा उनका कहना था। हमने सुन लिया और उत्तर ये दिया, आपने क्वांटिटी की वो दृष्टि गई है, ठीक है, अपनी जगह है, किंतु यह उपसंग जिसमें संख्या अन्यों की अपेक्षा से अधिक है ये आपकी दृष्टि है, किंतु बहुत बड़ी भूल आपकी हो गई है। वो ये है कि यह उपसंग उपसंग है, ये शाखा उपशाखाएं हैं, किंतु ये सारे जितने भी शाखा और उपशाखा है वो किसके हैं? वृक्ष के हैं, ध्यान रखो। वृक्ष के बिना न शाखा है न उपशाखा है न डाली है न फूल है न पत्ते हैं न फल है, ये सारे विचार उस वृक्ष के आधार में लेकर के ध्यान रखे। इसलिए मेरा उपसंग नहीं, मैं स्वयं संगस्त हूं। तब उनको बात समझ में आ गई है। वो सामने जितने भी भक्तगण होते हैं वे भक्ति करते हैं और भक्ति करने की सबको स्वतंत्रता है, बिल्कुल ठीक है। और भक्तगण भगवान की भी भक्ति करते हैं और गुरु की भी भक्ति करते हैं, किंतु ये ध्यान रखो भक्ति मुक्त मन से करो, किंतु जिसकी भक्ति करने की जा रही है उसको अलर्ट लेना पड़ता है, ध्यान रखो। आचार्य महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति तो भक्तगण करते हैं किंतु गुरु की परीक्षा उसमें होती है। महाराज इसमें क्या परीक्षा हो रही है? हाँ बिल्कुल परीक्षा है, क्योंकि मुक्त कर्म से गुरु की प्रशंसा भक्त करता है, किंतु उस प्रशंसा के प्रभाव में आकर के यदि मन में उन शब्दों को लेकर के हर्ष का अनुभव करता है तो वह उसका स्तर उसका विकास रुक जाता है। इसलिए भक्त की प्रशंसा की ओर कभी भी ध्यान नहीं लेना चाहिए। और एक प्रासंगिक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि आचार्य महाराज विहार करते हुए संघ के साथ कहां पर पहुंचे हैं? तेंदुखेड़ा, जो कि पाटन के पास है, तेंदुखेड़ा कोमी जी के पास है। और विहार करके छोटे से ग्राम में पहुंच गए। जनता आचार्य महाराज के प्रवचनों को सुनने के लिए लालायित थी और निवेदन किया कि महाराज कम से कम दो शब्द आपसे हम सुनना चाहते हैं। ठीक बात है, सुनाएंगे। सुनने के लिए आप बैठे तो मुझे तो सुनाना ही। और गुरुदेव ने प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग दिया है, वह यह है कि भक्त गणों की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा किसी ने कहा था। और आप लोग भी कह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, कि भक्तों की भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा भक्तों के मुख से सुनने में आता है। तो गुरुदेव ने एक कहा, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात आपने कही है, किंतु भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना खेल नहीं है बंधु, ये ध्यान रखो, ऐसा उनके मुख से सुना। आपको आश्चर्य और विस्मय हो सकता है, ऐसा क्यों कहा होगा? गुरुदेव का भाव ये है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो सकते, आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकते, किंतु किससे प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान की आज्ञा का अनुपालन जब आप हृदय से करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते।
प्रकार गुरु भी प्रसन्न होते हैं। और गुरु को प्रसन्न करना चाहो तो ध्यान रखो, गुरु की भक्ति करो, किंतु हृदय से जो भक्ति करता है उससे ही गुरु प्रसन्न हुआ करते हैं। महाराज ये बात क्या हमें संवाद समझ में नहीं आई? भक्ति करना तो ये तो बात हमें समझ में आ रही है, किंतु हृदय का अर्थ क्या? हृदय का अर्थ क्या है? उसे उसे भी भक्ति हो सकती है। और अनंत काल से संसारी प्राणी ने केवल औपचारिक ही भक्ति की है, इसलिए इस धरा को तरकर अभी भी परिक्रमण कर रहा है, ऐसा गुरुदेव का कहना था। और गुरुदेव ने कई बार प्रवचन के दौरान इस पंक्ति को भी दोहराया है, जो आचार्य ने इस पंक्ति को स्तोत्र में उल्लेखित किया है। कल्याण स्तोत्र का पाठ आप करते हो, भक्तानर का पाठ तो व्यापक रूप से सब जगह पाठ चलता रहता है, किंतु कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य क्या कह रहे हैं सुनो। अब ऐसा कहना पड़ेगा क्योंकि उपदेश अलग है, सुनो। इसमें क्या ये उपदेश नहीं, किंतु सुनो अर्थात गौर करो। हम गौर से सुनते नहीं, सुनते तो है, दुकान है तो सुनते हैं, इसलिए दुकानदार हैं आप लोग, दुकान है और सुन लेते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं गौर करो। वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा और भगवान के देशना का श्रवण, ये सब अनंत काल से संसारी प्राणी ने किया है। इसके उपरांत भी यदि कल्याण नहीं हुआ है, इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वह प्रश्न चिन्ह क्या है, उस पंक्ति में आपको ध्यान से सुनेंगे, वो उस पंक्ति में क्या भाव दे रहे हैं आचार्य महोदय, सुनिएगा। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विदुतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। भावशून्य जितने भी क्रियाएं हैं वे कभी भी फलवती नहीं हुआ करती। इसलिए आकर्णित मया हे भगवन, हमने आपको सुना, मया कह रहे हैं त्वया नहीं, हे भगवान मैंने आपकी देशना को इन कानों से श्रवण किया है। आकर्णितों के महितों के हे भगवान, हमने आपकी पूजा की है। आकर्णितों के महितों के निरीक्षितों की हे भगवान, आपका दर्शन भी हमने किया, किंतु नूनं न चेतसि मया विदुतोऽसि भक्त्या हे भगवन, मैंने आपको हृदय में नहीं मिटाया है। भक्ति के साथ आपकी भक्ति तो की, किंतु उसे उसे भक्ति करने के कारण वह परिभ्रमण जो का तुम बना हुआ है, हमें परिभ्रमण नहीं करना, हमें यात्रा करनी है। यात्रा और परिभ्रमण में जले आसमान का अंतर है। पंच परावर्तन का नाम परिभ्रमण है, और इस पंच परावर्तन से जो ऊपर उठ जाता है उसकी यात्रा होती है, और यात्रा जब होती है मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो जाता है। यात्रा करता करता बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, किंतु हृदय में देव शास्त्र गुरु को विराजमान करके जो यात्रा करता है उसकी यात्रा बहुत ही अल्प काल में पूर्ण हो जाती है और मंजिल में प्रवेश पाता है। इन पंक्तियों को आपने सुना पढ़ा, इन पंक्तियों की रचना करते समय आचार्यों के कितने भाव उत्कृष्ट होंगे, हम और आप आकलन नहीं कर सकते। भक्ति तो हम करते हैं, हृदय से भक्ति नहीं।
न जाने कौन कौन सी अपेक्षाओं को लेकर के भक्ति करते हैं। गुरुदेव कहते हैं भक्ति करो किंतु हृदय के साथ करो। हृदय से भक्ति जो की जाती है वह वस्तुतः वास्तविक भक्ति मानी जाती है। हाँ, और गुरुदेव ने ये कहा कि देखो यह पंचम काल है, मोक्ष मार्ग अवरुद्ध नहीं है, किंतु जो मोक्ष मार्ग है बहुत लंबा चौड़ा है। लंबा भी है और चौड़ा भी है। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा है। और उन्होंने ये कहा उनके मुख से जो शब्द निकले उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि वस्त्र वर्तमान में मोक्ष मार्ग है तो, किंतु मोक्ष मार्ग किमात्मक है। उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग पर हम चल रहे हैं और भाव लिंग के साथ चल रहे हैं, किंतु भाव लिंग के साथ मोक्ष मार्ग पर चलते हुए भी वह मोक्ष मार्ग सुनो, गौर से सुनो, बातें नहीं करो आपस में, यह मोक्ष मार्ग वर्तमान का नर्सरी है। ये उनके मुख से हमने कई बार सुना, आपने सुना नहीं सुना आपका विषय। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग है वह नर्सरी है। इसलिए कहा इसका आशय हमने पकड़ा अपनी बुद्धि के अनुरूप अनुरूप हुआ ये है। एक मान लो शरीर के ऊपर एक छोटा सा मच्छर भी बैठ जाता है तो उड़ाने के भाव मन में आ सकते हैं। श्रवण के बदन पर शरीर पर एक छोटा सा मच्छर बैठा है और इस पेचिका के माध्यम से उसको उड़ाया नहीं, किंतु उड़ाने का भाव आ सकता है कि ये उड़ जाए। ये भाव यदि आता है तो परिचय विधि नहीं माना जाता। बहुत परसेंटेज में उसके लिए अंक मिलते हैं। परिचय विधि प्राप्त करने के लिए आपको चार दीवारों के बाहर आकर के मैदान में बैठना पड़ेगा। और गुरुदेव का यह कहना है कि मन को छोड़ो। क्या कहा? मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव कह रहे। गुरुदेव ने ये कहा कि मान को छोड़ो और मैदान में आ जाओ। हाँ, बहुत कठिन होता है। इसलिए उनका ये कहना है कि बहुत मोक्ष मार्ग सूक्ष्म है, वहां तक पहुंचने के लिए अपने लिए बहुत श्रम करने की आवश्यकता है और मात्र शारीरिक श्रम हमें पर्याप्त नहीं, किंतु वह जो आंतरिक साधना है, अंतर्दृष्टि को लेकर के जो साधना की जाती है वही साधना मंदिर तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध होती है। और साधना और उस साधना के माध्यम से ही कर्म कट जाते हैं। हमें मात्र शरीर को दग्ध नहीं करना, शरीर को दग्ध नहीं करना, किंतु मोह की अंत्येष्टि करने के लिए साधना की जा रही है। किसकी अंत्येष्टि? मोह की अंत्येष्टि। क्योंकि अनंत बार इस संसारी प्राणी ने जन्म और मरण को किया है, अनंत बार शरीर को धारण किया है और वो मरण को भी प्राप्त किया है। बार बार शरीर मिलता है और वह विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, किंतु शरीर के आधार से और भावों के माध्यम से पर पदार्थों के साथ संबंध रखने से वह संयोग के माध्यम से जो पाप का अर्जन होता है उसका क्षय जब तक हम हृदय से साधना अंतर साधना नहीं करेंगे तब तक वह मोहनी कर्म दग्ध नहीं होने वाला है। इस उपदेश को सुनने के लिए ही जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे उन्होंने इस देशना को उपदेश को सुन ली है और वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं
कि वस्तुतः गुरुदेव की वो गुरुदेव की जो दृष्टि है वह पूरे संघ की दृष्टि, संघ की दृष्टि, चतुर्विध संघ की दृष्टि निरंतर गुरुदेव की दृष्टि की ओर हो तो निश्चित रूप से वह हमारा जो आत्मकल्याण करने के लिए इस जो इस मार्ग को अपनाया है, इस पद पर आरूढ़ करने का जो साहस किया है और निरंतर इस पद पर बढ़ने के लिए निरंतर साधना करने के लिए तत्पर है हम और आप, किंतु इस साधना की सार्थकता वस्तुतः हृदयंगम करने से ही संभव है। इसलिए सताम विज्ञात तत्पाणा सत्य शीला बिना सत्य और शील का अवलंबन लेना अनिवार्य है और संसारी प्राणी बताने किन किन अपेक्षाओं को रख करके कदम कदम पर असत्य का सहारा लेता है और उसके कारण ही उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सत्य शीला बलम बिना शील का अवलंबन ले रहे निरंतर मन
आपने जिस प्रकार इस प्रशस्त मार्ग पर पूरी शक्ति के साथ निरंतर बढ़ते गए और विश्व को भी प्रकाश दिया है, हमें प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके दिए हुए प्रकाश में और उनकी आशीर्वाद से ऐसी शक्ति प्राप्त हो, ऐसा मनोबल प्राप्त हो जिसके माध्यम से निरंतर सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की शर्मा भी उनके साथ है, वे भी अपनी बात रखेंगे और फिर उसके बाद आज